क्या आपने कभी सोचा है, ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी उनका एक वेट गेन नहीं होता, और आप इतना सारा डाइट कर रहे हो, इतना सारा वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी आप मोटे के मोटे हो? तो मैं आपको बता दी वो इसलिए है क्योंकि उनका BMR बहुत अच्छा है, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, उनका डाइजेशन अच्छे से हो पाता है, जिसके वजह से वो वेट गेन नहीं करते हैं, और वो कुछ भी खा ले वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है उनके बॉडी पे। और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आप वेट गेन करते रहते हो, आप छोटा सा छोटा चीज़ खाने के बाद भी। तो इस वीडियो में आपको बताओगी हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म टू लूज़ वेट। तो ये वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ये बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो टिल देन डू सब्सक्राइब my channel, click the bell icon for more upcoming videos and follow me on Instagram and keep supporting, watch till the end. पहला पॉइंट है वेट ट्रेनिंग। साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका मसल मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका जो BMR होता है वो हाई रहता है, उनका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी खा लेते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। तो अगर आपको भी अपना मेटाबॉलिक रेट हाई करना है तो वेट ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए, इससे आपका मसल मास बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा हो पाता होगा और आप वेट लॉस अच्छे से कर पाएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सिर्फ वेट ट्रेनिंग वॉन्ट वर्क दोस्तों, उसके साथ साथ आपको हाफ एन आवर का हिट वर्कआउट करना पड़ेगा। हिट में आप स्पॉट स्प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, आप स्किपिंग भी कर सकते हैं, आप 30 मिनट में रनिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो हार्ट रेट होता है वो हाई हो जाएगा और आप वो चीज़ फील कर पाओगे कि आप हिट वर्कआउट कर रहे हो। तो इसे इंक्लूड करें, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। आप वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हिट वर्कआउट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका मेटाबॉलिज्म हाई करने में, आप वेट लॉस अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। हमारा थर्ड टिप है ऐड प्रोटीन रिच फूड इन योर मील्स। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर आप प्रोटीन रिच फूड लेंगे अपने डाइट में तो आपका जो मसल रिकवरी होता है उसमें ये हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करता है, आपका कैलरी मोर फास्टली बर्न आउट होता है। तो प्रोटीन रिच फूड अपने डाइट में ज़रूर डालें। एग्जाम्पल हो जाएगा एग हो जाएगा, चिकन ब्रेस्ट हो जाएगा, चिकपीज हो जाएंगे, टोफूज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड सोर्सेस है जो आप अपने मील्स में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए और आप अच्छे से वेट लॉस कर पाए। हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया ईट मेटाबॉलिक बूस्टर। एग्जाम्पल जिंजर, चिली पेपर, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए दोस्तों, इससे आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, आपका डाइजेशन अच्छा हो पाता है, जिसकी वजह से आप अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे। जिंजर को आप अपने चाय में इंक्लूड कर सकते हैं, वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, ये सब चीज़ आप इंक्लूड करेंगे अपने मील्स में तो आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा हो पाएगा और आप अच्छा खासा वेट लॉस कर पाएंगे। हमारा फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है अवॉइड ईटिंग लेट एट नाइट, डूइंग क्रैश डाइटिंग एंड डूइंग एक्सेस ऑफ कार्डियो। तो पहला पॉइंट ये था कि अवॉइड ईटिंग लेट एट नाइट। उससे दोस्तों ये होगा कि अगर हम लेट नाइट खाते हैं तो उसके बाद हम तुरंत सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन लेवल होता है वो स्पाइक कर जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा फैट जो होता है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाता है और हम वेट गेन कर लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है डूइंग क्रैश डाइटिंग। हमें क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जो क्रैश डाइटिंग करते हैं वो टू मच कैलोरी डेफिशिएंट में चल जाते हैं, हमारा बॉडी जो होता है सर्वाइवल मोड में चल जाता है, उसके बाद हम जो भी खाते हैं उससे हमारा वेट गेन होने लगता है, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करना है। और तीसरा पॉइंट था डूइंग एक्सेस ऑफ कार्डियो। एक्सेस ऑफ कार्डियो करने से हमारा मसल लॉस हो जाता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो हमें उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, तभी जाकर हम अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे 5 मेजर टिप्स एंड ट्रिप। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से वेट लॉस कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी अच्छा खासा वेट लॉस किया है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना सारा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग से साथ शेयर करूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में वेट लॉस कर पाए। तो ये सब चीज़ अपने माइंड में रखें और इस चीज़ को फॉलो करें, तभी जाके आप अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे। तो टिल देन, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लिक करें बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप सपोर्टिंग। Stay fit, stay healthy.